इतना ही एविडेंस है कि ये 13 लोग उस मंजिल पे थे कभी ना कभी उस दिन में। उसके आगे कोई एविडेंस नहीं है कि किसी ने कहीं वहाँ पे कोई पेट्रोल लाया हो या केरोसिन लाया हो जलाने के लिए, या किसी ने कोई ये माचिस की तिल्ली वहाँ पे छोड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल गलत जजमेंट है। इससे अपने कोर्ट्स में किस तरीके से मजदूरों के खिलाफ एक बायस है ये स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कहेगा कि अपने देश के कानून ये मजदूर वर्ग के हित के लिए बनाए गए हैं। अगर वैसे होता तो अपने देश में मजदूरों की ये हालत नहीं होती जो हम आज पाते हैं। सभी मजदूरों को समझना चाहिए कि अपने देश में भी जो कोर्ट्स है वो वर्ग पे आधारित कोर्ट्स। अभी करीब 4 साल हो गए हैं जब से मारुति का जजमेंट आया है। मारुति का जो हादसा हुआ था उसको तो करीब 10 साल हो के गए हैं। सवाल अपने सामने ये है कि इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमें क्या सोचना है। अभी हादसा जो हुआ वो तो मुझे लगता है कि एक्चुअली कुछ अलग ही हादसा था। अभी लोग बोल रहे हैं कि अभी 13 लोगों को सेशंस कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। मेरा तो कहना है कि कोई भी एविडेंस ना होते हुए उन्हें कन्विक्ट किया गया है। ऑफकोर्स कोर्ट में लड़ेंगे उसके आगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही एविडेंस है कि ये 13 लोग उस मंजिल पे थे कभी ना कभी उस दिन में। उसके आगे कोई एविडेंस नहीं है कि किसी ने कहीं वहाँ पे कोई पेट्रोल लाया हो या केरोसिन लाया हो जलाने के लिए, या किसी ने कोई ये माचिस की तिल्ली वहाँ पे छोड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे कोई एविडेंस के बारे में जिक्र नहीं किया है जजमेंट में। सिर्फ इतना ही जिक्र किया है कि वो उस मंजिल पे थे इसलिए शायद उन्होंने ही किया होगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है, इसमें ये कोई सही नहीं है। और इससे तो हमें दिखता है कि अपने मजदूरों के प्रति किस तरीके से जजमेंट होते हैं और मजदूरों के खिलाफ किस तरीके के जजमेंट होते हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। मुझे सिर्फ एक ही इसके बारे में बहुत ही दुख लगता है, तो वो ये है कि एक अच्छा मौका था जहाँ पे सभी यूनियंस एक साथ आके इन मजदूरों के खिलाफ किस तरीके के जजमेंट होते हैं इसके बारे में कुछ आंदोलन करते, उसके बारे में कुछ समाज में एक चेतना फैलाते, ताकि कुछ न कुछ कानून में हम बदल लाने का प्रयास करते कि मजदूरों के प्रति देखने का जो रवैया है उसमें कुछ बदल लाने का हम प्रयास करते, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये ऑफकोर्स इसमें हम ही सभी ट्रेड यूनियन लीडरों का गलती है। हम पूरे तरीके से ये यूनिटी जो बनना चाहिए वो सिर्फ वो सवाल पे नहीं, कई सवालों पे नहीं बना पा रहे। एक कोई वर्कर ने कुछ कहा था, वो वर्कर के कहने को एक अलग तरीके से उधर ट्विस्ट किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वो तो डायरेक्टली उसका अपील ही होगा, और अपील के दरमियान मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि ये जजमेंट नहीं टिकेगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि इतने सालों तक जो मारुति के वर्कर जेल में रहे उसके बारे में क्या, इतने सैकड़ों मजदूर जेल में रहे, उनकी नौकरियां गई, इसके बारे में क्या अपना स्टेट जवाबदार नहीं है। ये जो राज्य सत्ता ने इतने मजदूरों को इतने दिनों तक जेल में रखा और अभी निर्दोष छोड़ दिया है, 400 के ऊपर मजदूरों को निर्दोष छोड़ दिया है, उनके बारे में क्या, तो उनके रीइंस्टेटमेंट के लिए भी केसेस करनी पड़ रही है, रीइंस्टेटमेंट की केसेस अभी तक चल रही है। और रीइंस्टेटमेंट तो एक बात रही, लेकिन इतने साल वो अंदर रखे तो क्या उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए ऐसे चीज़ के लिए। मैं मान सकता हूँ कि एक हाथ दो मजदूर के बारे में वो जब निर्दोष छोड़ा जाए तो उसके बारे में गलती हुई, हम हर एक को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगता है सबको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक थोप तरीके से 400 के ऊपर मजदूरों को बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार करके जेल में बंद कर, जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया, तो ऐसे हालात में क्या राज्य की या सरकार की कोई जवाबदारी नहीं रहती है उनके फैमिली के प्रति, उनके बच्चों के प्रति? क्या
ये सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है। मेरा तो कहना है कि ये भी एक इशू हम उठा सकते थे और सभी यूनियंस को अभी भी ये सवाल पे एक साथ आके इसके बारे में लड़ना चाहिए। ये बिल्कुल गलत जजमेंट है, इससे अपने कोर्ट्स में किस तरीके से मजदूरों के खिलाफ एक बायस है ये स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, मारुति से कई सबक निकलते हैं। एक तो ये सवाल सिर्फ मारुति नहीं, पर मारुति के साथ में प्रिकॉल, दूसरे जो आंदोलन उसी समय के चल रहे थे, हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये सब में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूरों को किस तरीके से रखा जाता है और उनको किस हालत में रखा जाता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा जो सवाल निकलता है कि मजदूरों को अपनी इच्छा की यूनियन बनाने का जो सवाल है, ये जो आज़ादी है अपने देश में संविधान में लिखी गई है लेकिन असलियत में हम देखते हैं तो होता नहीं है। असलियत में मजदूर जाके यूनियन बनाने का प्रयास करे तो उनको भगा दिया जाता है लेबर कमिश्नर की ऑफिस से। तो ये जो सवाल उठते हैं, ये सवाल से अपने को सबक सीखना चाहिए, और यहीं पे इससे स्पष्ट दिखता है कि यहीं पे मजदूर वर्ग के ऊपर अभी हमले होने वाले हैं। ये परमानेंसी के सवाल के ऊपर मजदूर वर्ग पे हमले होने वाले हैं ताकि कोई भी मजदूर परमानेंट ना रहे, ये यूनियन बनाने का जो अधिकार है इसके ऊपर हमले होने वाले हैं। और ये दोनों सवाल जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि अगर मजदूर परमानेंट नहीं रहेंगे या उनको परमानेंसी की सुरक्षा नहीं रहेगी कि हम परमानेंट मजदूर हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, तो वो कभी यूनियन नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों सवाल जुड़े हुए हैं, यूनियन बनाने का सवाल, परमानेंसी का सवाल, और ये सब सबक ये मारुति और उस समय के आंदोलनों से आगे बढ़ गया। ये मारुति के मजदूरों की सिर्फ गलती नहीं है, ये अपने देश के ट्रेड यूनियन लीडरशिप की गलती है कि अपने देश में पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन ऐसे ही एक अंधे मोड़ पे खड़ा हुआ। तो इसी तरीके से पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन को एटलीस्ट अभी एक मौका मिल रहा है, और अभी उनके सामने एक मिसाल है ये किसानों का कि हम एक साथ आए और इस तरीके से ट्रेड यूनियन आंदोलन को मारुति से सीखना चाहिए। और मारुति के लीडर्स को मैं यही कहूँगा कि उनका एक बहुत बड़ा अहम नाम है, उनका एक बहुत बड़ा अहम इमेज है पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन में, तो ये इमेज का फ़ायदा लेके वो अलग अलग यूनियंस को एक साथ लाए। और ये सवालों के ऊपर, एक तो कि कोर्ट्स किस तरीके से बायस्ड है, दूसरा कि परमानेंसी का सवाल यानी कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट मजदूर कैसे हम लोगों को ख़त्म करके सभी मजदूरों को परमानेंट करने के लिए लड़ना चाहिए, और तीसरा कि यूनियन बनाने का के अधिकार का सवाल, ये सवालों पे सभी यूनियंस को अगर मारुति पहलकदमी लेके सभी को एक साथ लाए तो ज़रूर कुछ देश में हम करने के लायक एक मंच बना पाएंगे, ऐसे मुझे। सभी मजदूरों को समझना चाहिए कि अपने देश में भी जो कोर्ट्स है वो वर्ग पे आधारित कोर्ट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से मैं मार्क्सवादी हूँ और मार्क्सिस्ट एनालिसिस करते हैं, तो पूरा जो राज्य सत्ता का जो अपरेटस है ये किसी वर्ग के हित के लिए बनाया जाता है, तो कोर्ट भी वर्ग के हित के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कानून भी किसी वर्ग के हित के लिए बनाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई कहेगा कि अपने देश के कानून ये मजदूर वर्ग के हित के लिए बनाए गए हैं, अगर वैसे होता तो अपने देश में मजदूरों की ये हालत नहीं होती जो हम आज पाते हैं। अपने देश के कानून ये मालिक वर्ग के हित के लिए बनाए गए हैं, और अभी मालिक वर्ग की दुविधाएं और भी कठिन और भी विकृत होते जा रही हैं, तो ऐसे हालात में उनके मजदूरों के ऊपर और भी बोझा डालने का वो प्रयास कर रहे हैं जो नए लेबर कोड वगैरह आ रहे हैं उसके आधार पे। तो इसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि ये कोर्ट बनाए नहीं गए हैं कि मजदूरों के हित के लिए, हाँ कागज़ पे ये लिखा गया है कि मजदूरों के हित के लिए बनाए गए, लेकिन असलियत में हर कानून पे मजदूरों ने अपना खून बहा के एक एक अधिकार प्राप्त किया है, और ये कोर्ट हरदम ये कोशिशें कर रही है कि ये जो अधिकार मजदूरों ने प्राप्त किया है उसे किस तरीके से धीरे धीरे कम किया जाए। ये आम तौर पे, कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी जजेज ऐसे होते हैं, कुछ जजेज होते हैं जो उनके अनुभव से उनके
पूरे जिस तरीके से उनके विचार से, वो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके कि मजदूरों के फ़ायदे का कुछ ना कुछ करें, लेकिन ये जनरलिटी नहीं है। जो जनरलिटी है वो ये है कि सभी कोर्ट्स इसके लिए ही प्रयास करते हैं कि मजदूरों ने अपने खून बहा के संघर्ष करके जो अधिकार प्राप्त किए हैं, वो अधिकारों को किस तरीके से एक सीमा के अंदर रखा जाए, ये कोर्ट्स का प्रयास रहता है आमतौर पर।